तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं अभिषेक की नॉलेज। जैसा मैंने कल कहा था कि आपको एक आंसर फॉर्मेट में वीडियो बना दी जाएगी, जो भी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट है, कि आंसर लिखे कैसे जाए, क्योंकि यही बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि आंसर देना कैसे है, कितने नंबरों के क्वेश्चन होंगे, क्या सा फॉर्मेट होगा। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में तो मिल जाएगा आज। और उससे पहले थोड़ी सी एक डिस्कशन हो जाए दो एक मिनट की, कि डेट शीट पे ऊपर। डेट शीट की तो गाइस अभी कोई बड़ी खबर है नहीं, जितना जो मैंने भी कल वीडियो बनाई थी वो भी अभी पक्का तो है नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। क्योंकि दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर के आखिर में होंगे अब, और या तो मई और जून में होंगे। पर अगर मई और जून में होंगे तो सेमेस्टर वन प्लस सेमेस्टर टू दोनों के देने होंगे, यानी आपको 8 एग्ज़ाम देने होंगे अगर आपके होते हैं तो। पर ये अभी टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर तो अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अभी शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो, जो रहने वाली आंसर फॉर्मेट से, कि आंसर लिखा कैसे जाए। आइए देखते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने लिखी है हेडलाइन, आंसर फॉर्मेट फॉर SOL स्टूडेंट। तो पहला मैंने जो पॉइंट लिखा है, इंट्रोडक्शन। जैसे गाइस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन उसका, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक गुड इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर पे, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। जो टीचर चेक करने वाले होते हैं उन पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसका इंट्रोडक्शन शुरू लिखिए। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा मूल उत्तर, यानी आंसर बॉडी। मूल उत्तर या फिर आंसर बॉडी को और आसानी से बोले हिंदी में तो विस्तार, आपको विस्तार से बताना होगा। जो भी आपने मतलब शुरू करा इंट्रोडक्शन, उसको अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा पॉइंटों को अपने, बड़ा बड़ा थोड़ा सा 3 से 4 पेज का विस्तार लिख दीजिएगा आप। जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर विस्तार से थोड़ा बता दीजिएगा यह। और तीसरा आता है अगेंस्ट, यानी कि आलोचनाएं। आलोचनाएं गाइस आपको एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तब लिखनी है अगर वो उस क्वेश्चन में पूछी गई है तो, अदरवाइज़ आपको आलोचनाएं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आलोचना आप खुद बना सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में कुछ तो पूछी ही जाती है, और अगर ऐसा लगता है इस पे नहीं बन सकती और या फिर और पूछी भी नहीं गई, तो आपको आलोचना लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट मैंने डाला था क्योंकि मुझे लगता था, पर ये भूमिका और आंसर बॉडी या फिर मूल उत्तर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, निष्कर्ष। भूमिका, मूल उत्तर और निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है गाइस, जो भी आपने अब तक ऊपर एक्सप्लेन करके आए हो उसको 5 से 8 लाइनों में निष्कर्ष में एक्सप्लेन कर दो। मतलब उसको एक छोटा सा सार लिख दो, पूरा जो भी आपने बताया उस सबको छोटा सा बना के लिख दो, सार कर दो उसका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर्मेट, कि आपको आंसर लिखना कैसे है। 3 पॉइंटों का याद रखिएगा, भूमिका, मूल उत्तर, निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन, आंसर बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पॉइंट। और उसके बाद बात करें मैंने लिखा है यहाँ पे नीचे नोट, परिभाषा। तो परिभाषा, अगर परिभाषा मैंने इसलिए लिखा है, देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ से पूछा गया और आपको लगता है उस पर परिभाषा बन सकती है या फिर उसकी परिभाषा है, पर अगर पूछी नहीं गई तो आपको परिभाषा लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसके कोई नंबर नहीं कटते। अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो इससे गुड इम्पैक्ट और पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पर, क्योंकि जब वो देखेगा कि पूछी नहीं गई परिभाषा पर तब भी लिखी है और इतनी अच्छी एक्सप्लेन की गई है, तो टीचर वही सोच लेगा कि इस क्वेश्चन की इसे नॉलेज है जिस तरह इसने परिभाषा बताई है। तो परिभाषा का ये इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बननी बन सकती है और आपको पता है कि इस वर्ड की परिभाषा है, या फिर जो भी जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उस पर परिभाषा है बुक में, तो आप वो लिख सकते हैं। और अब अगली, ये तो बात हो गई आंसर लिखना कैसे था, और अब कितने पेजों में लिखे, कितने नंबरों के क्वेश्चन होंगे। तो भाई अभी तक तो ही चीज़ पॉसिबल है, जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर या 75 नंबर का होगा। अगर 75 नंबर का होगा तो उसे ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 नंबर का, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, अगर प्रश्न 20 नंबर का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पेज, क्योंकि अगर 20 नंबर का प्रश्न है तो 5-6 पेज बहुत है गाइस। 5-6 पेज ऐसे नहीं, जैसे एक पेज होता है उसके आगे का पीछे का, ऐसे 2 पेज हो गए ये, मतलब 3 पेज ऐसे आगे पीछे 2, तो ऐसे 6 पेज लिख सकते हैं 20 नंबर के। मैं 6 ही नहीं कह रहा, अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में जितनी नॉलेज आप उतना लिखिए, पर मिनिमम 5-6 पेज अगर 20 नंबर का प्रश्न है तो। पर आपको लगता है मैं इससे भी ज़्यादा लिख सकता हूँ तो लिखिए, क्योंकि लिखने के नंबर है, लिखने के कोई नंबर नहीं है। और बस नंबर है आपकी एक्सप्लेनेशन पर, आपने किस तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपने अच्छा एक्सप्लेन किया
तो नंबर उसी हिसाब से मिलेंगे। और अगर 15 नंबर का प्रश्न हो तो 4 पेज लिख सकते हैं आप, 4 पेज लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर 15 नंबर का हो तो 4 ही पेज बहुत है, 3 से 4 या फिर 5, अधिकतम 5 पेज। हाँ, और अगर आपको लगता है कि मैं इस पर भी लिख सकता हूँ तो आप लिख सकते हैं, इस पर कोई वो दबाव नहीं है। जैसा मैंने कहा, लिखने के नंबर नहीं, एक्सप्लेनेशन के नंबर है, आप एक्सप्लेन कितना अच्छा करते हैं। पर तब भी अगर 15 नंबर का है तो 4 पेज तो मिनिमम। और अगर शॉर्ट्स नोट है तो 2 से 3 पेज, क्योंकि शॉर्ट नोट्स या तो ऐसा होता है 2 भागों में बटा होता है 10-10 का, और या तो 7.5-7.5 अगर 15 नंबर का है तो, या और अगर एक और चीज़ होती है क्योंकि 25 नंबर का भी होता है कभी कभार क्वेश्चन, ये बहुत तो उसमें 12.5-12.5, पर मिनिमम देखा जाता है तो 10 वाला ही होता है, 10 और 7.5 का। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स है तो 2 से 3 पेज बहुत रहेंगे इसके लिए, क्योंकि एक पेज पूरा आगे पीछे का 2 और एक उसके बगल वाला, 3 पेज मतलब शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बढ़ा लीजिए, उससे ज़्यादा कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इतने में एक्सप्लेन कर सकते हो। छोटा सा पर्टिकुलर टॉपिक दिया होता है पॉइंट, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है उसके ऊपर, क्योंकि बताना होता है, शॉर्ट्स नोट्स में यही होता है शॉर्ट नोट में। तो बस गाइस, आज की वीडियो तो इतनी थी पूरी, यही आपको आंसर फॉर्मेट पता चल जाए, और मैं यही होप करूँगा कि मैंने आपकी मदद की, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा आंसर फॉर्मेट। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात EVS के पहले चैप्टर के नोट्स की, तो वो आपको आज मिल जाएंगे 12 से 1 बजे तक, ये भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, हाथों से खुद बनाए गए हैं वो भी, वो आपको दे दिए जाएंगे 12 से 1 बजे तक डाल दिए जाएंगे। और आप इसीलिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें और उसके ऊपर आ रहे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और आज आपको सेकेंड चैप्टर के भी EVS के नोट्स मिल जाएंगे रात में 10 बजे तक, और रही बात पहले चैप्टर की, वो तो 12 से 1 बजे के बीच में डाल दिए जाएंगे, और दूसरे चैप्टर का भी 10 बजे तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है डेट शीट का, पर 26 तारीख तक हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे 10 से 12 बजे तक, सारे चैप्टरों के EVS के पहले 7 चैप्टरों के। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाएँ। चलिए, और रही डेट शीट की बात, उस पर हम अलग वीडियो बना देंगे जैसा मैंने कहा, जब भी कोई बड़ी खबर आती है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।